वो बड़ा शख्स ने करे बब्बा निकल गया तेरी ओढ़नी काले सनम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, फिर से गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आज मस्त उठा हूँ, मजा आ रहा है। तो अभी टाइम हो गया है 6, सुबह के 6 बज रहे हैं। एक बार फिर से देख लेता हूँ, सॉरी, 6:31 AM, मतलब 6:30 हो गया है। धान काटने, तो हम लोग धान कटाई कर रहे हैं। वो 200 दिख रहे हैं, उसमें कल खत्म कर दिए थे। पापा इधर काट रहे हैं, मैं इधर काटूंगा। फिर आना है रे बाबा 2-3 दिन तक। भी ये वाला ही बचा है, फिर वो नीचे वाला ही बचा है। मैं सुबह सुबह जल्दी आ गया था ताकि जल्दी करके भाग जाऊँ, बाद में धूप करता है। काटते हैं, फिर मिलते हैं कल। इसमें शाम घुसा था बड़ा सा, पापा के सामने ऐसा बात नहीं करेंगे, इसलिए रखते हैं। ये पूरा धान है, सो गया है। धान जब ऐसे सो जाता है तो टाइम लगता है काटने में, क्योंकि पूरा अड़ंग बड़ंग हो रखा है। अभी सब लोग हैं उधर का, थोड़ा सा खत्म कर लिए थे। काटते हैं, साला हालत खराब हो गया है थोड़ा सा। काटर इधर से देखिए, मेरे को पसीना पसीना हो गया थी। अभी टाइम की बात करूं तो 9:30 ही हुए हैं और धूप तो फाड़ के कर रहा है। बस मैं आया था खाना खाने के लिए, सुबह आया था तो खाली पेट आया था, बस ब्रश व्रश किया और खाना खा के आ रहा हूँ। बाकी साला कमर का वाट लग जाता है, आदत नहीं है ना धान काटने का, कभी कभी काटना होता है। और साला ये वाला हाथ में चुभ गया है, छोटा छोटा एकदम दर्द करता है। जब पसीना होता है ना तो मज़ा आता है, पसीना निकलता है तो मज़ा आता है। कहने का मतलब आज ख़त्म कर देंगे लग रहा है। वो ऊपर जो काट रहे थे उसको, और ये नीचे वाला जो दिख रहा है यहाँ पे वाला को, कल से बड़ा वाला खेत को काटेंगे। और शायद ही कल रहूँगा मैं, कहाँ जाऊँगा वो कल पता चल जाएगा। घर जाऊँगा तो, अगर नहीं जाऊँगा तो फिर धान काटते हुए ना चलाऊँगा कल फिर से। मैं जैसे जैसे धूप करेगा ना वैसे वैसे ये वाला धान का नाड़ा बोलते हैं इसको हम लोग, धान का नाड़ा ही, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चुभता है साला ये। हाँ, चड्डी में जाओगे तो फिर पैर के यहाँ मारता है, इसीलिए लोअर। और हाफ शर्ट में अगर काटोगे तो फिर इधर हाथ का खराब होता है, इसीलिए फुल टी शर्ट। मुझको पीना है, पीने दो, मुझको पीना है, पीने दो। पर कैसे पीने वैसे, कल बॉडी साला डिहाइड्रेट हो गया था। जा रे भग, यहाँ बैठ गया इसको निकाल दिया तो नीचे गिर गया। तो थोड़ा सा काटे, उसके बाद फिर भी छुट्टी दोपहर वाला। अभी मेरे को करना है ये स्टार्टर का वायरिंग, तो इसको बनाना है मेरे को।
क्योंकि मैंने ऑटो को निकाल दिया हुआ था और वो फ्यूज उजल गया था और लोड के कारण। इसको भी बंद करके इसको वायरिंग करना है। मैं नया फ्यूज लेके आया था वहाँ पे, तो टाइम पास करते हैं। ठीक है, उधर मम्मी लोग चुगली कर रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं। बहुत देर ताम झाम करने के बाद ये फ्यूज को भी नया लगा लिया और अभी नहीं ऑटो से ही ये लाइट आ रहा है। लेकिन सप्लाई फॉल्ट, दवा तो करेगी बाबू, पानी भरूं? नहीं चालू हुई, नहीं होगी। हाँ हाँ, किसे? ये तो बनात रहे हैं। पानी पिया से दिन सप्लाई फॉल्ट। चलत है लेकिन, चलत है। कटी कटी क्या थे कि पकड़ाते हैं? जितना आता है उतना नहीं आ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा चलता है। मोटर उल्टा घूम रहा होगा, एक बार फेस चेंज करके देखता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा आता है पानी। अभी फिर फेस चेंज किया तो लाइट गोल हो गया, पता नहीं कब आएगा लाइट। बाहर वेट करते हैं। बस 2 मिनट वेट किया, लाइट आ गया है। और वो जो येलो लाइट दिख रहा है ना, मतलब कनेक्शन सही है। अब थोड़ी देर में जो मोटर का दिख रहा है ये वाला किनारे वाला, वो ऑन हो जाएगा तो फिर मोटर भी ऑन हो जाएगा। मतलब मैं सही जोड़ा हूँ, इलेक्ट्रिशियन बन गया आज मैं। चल जाओ। और जला ना, ग्रीन वाला जला। अब मोटर चालू होगा और अभी पानी समय जो कम आ रहा था ना, वो भर भरा के देगा अभी तेज से। ये रहा अभी, या अब मोटर सही कनेक्ट हुआ है। अब पारी है ऑटो को चेक करने का कि वो सही लगा है कि नहीं लगा है। ये ऑटो ऊपर कर लूंगा तो फिर ये बंद नहीं होना चाहिए। सही है, सब सही है। तेरी ओढ़नी काले सनम मुके पागल बनायला, ला 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 ला। बस घर जा रहा था ये तामझाम वगैरह लेके। अब मैं फोन चार्ज करूंगा, थोड़ी देर सोऊंगा, फिर दोपहर फिर आके धान काटेंगे। भयानक धूप है इस दोपहर में, तो और धूप लगता है, मतलब 2-3 बजे लगभग, और उसी टाइम आना पड़ेगा धान काटने के लिए। ठीक है, चलते हैं, फोन चार्ज करेंगे, मिलता हूँ दोपहर में। अभी के लिए बाय। कहाँ है तुम लोग का बकरी? ना सोनू, नहाया नहीं नहाया तुम? मेरे को झूठ बोलता है ना। रुकना, शाम को नहलाता हूँ तेरे को मैं। और कैसे कोड़वा दिख रहा है? टाइम है अभी 3:23, अभी थोड़ा सा बदरी है, पर अभी जो सुबह धान काटे थे ना उसको उठा भी रहे हैं क्योंकि बारिश वारिश आएगा तो भींग जाएगा। अगर हवा चलेगा तो फिर जो रखे हुए थे ना उसको साला अगड़ूंग बगड़ूंग कर देगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ खत्म वतम करके। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है 5:30 और मैं जा रहा था घर।
नहाने के लिए। ख़त्म तो होगा नहीं आज का व्लॉग, बस धान काटने वाला था। गर्मी फसल करते हैं तो फिर काटना ही पड़ता है। इतना दिन तो भयानक शादी नाचा, घूम घूम के नाचा, घर का काम भी कर देता हूँ बोला बोला नहीं करना पड़ता है। अरे मेरी कमर ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। सॉरी, टाटा बाय। For so long I was living my life, oh so wrong.